देश में विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो विकल्प नहीं बन सकता। भाजपा की एकमात्र विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन वे भी एक ही परिवार तक सीमित होकर रह गई है। ये बात सांसद शांता कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश से कोई बड़ा विकल्प नहीं है। भाजपा के पास मतदान केंद्र ही नहीं, पन्ना प्रमुख स्तर पर एक बड़ा संगठन खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुनियादी परिवर्तन देश में हुआ है। गांव, गरीब और किसान के लिए नई योजनाएं बनी हैं। इस हालत में विपक्ष का ऐसा कोई भी प्रयास भाजपा को चुनौती नहीं दे रहा है। शांता कुमार ने कहा कि विपक्ष का यदि ऐसा ही प्रयास होता तो वे एक हो जाते। कुछ प्रदेशों में भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इस बार बहुत से प्रदेशों में भाजपा की सीटें बढ़ने जा रही हैं। देश की जनता के सामने सब कुछ है और असम में विदेशी घुसपैठियों का मामला कितना पुराना है, कांग्रेस इसके खिलाफ बोलती रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर बोलती रही है। आज केवल वोट की राजनीति के कारण इनके बोल बदल रहे हैं। साफ हो गया है कि इनके लिए राष्ट्रीयता के कोई मामले नहीं है, बल्कि कुर्सी सर्वोपरि है। कांगड़ा लोकसभा सीट पर आगामी चुनाव लड़ने को लेकर सांसद शांता कुमार ने कहा कि काफी समय वे राजनीति को दे चुके हैं, ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का ही होगा। देश में लोकसभा चुनाव को कुछ ही समय बचा है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, भारत में विपक्ष के टूटे फूटे टुकड़े इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, वो विकल्प नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पर एकमात्र ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस एक परिवार से बाहर निकल नहीं रही, इस कारण कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त की तरफ बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का देश में कोई विकल्प नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की तरह मतदान केंद्र ही नहीं, पन्ना प्रमुख तक एक सजीव सबल संगठन हमारी पार्टी के मुकाबले पर देश में कोई नहीं। श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बुनियादी परिवर्तन नीतियों में हुआ, गांव, गरीब और किसान के लिए नई योजनाएं बनी, तो इन सारी बातों का कोई विकल्प नहीं है। ये ठीक है कि सभी पार्टियां इकट्ठी होकर के और भाजपा के विरुद्ध एक संयुक्त उम्मीदवार देने की बात कर रही है, उसका कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज इस प्रकार की कोई भी जो विपक्ष का तालमेल है वो हमारी पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती नहीं बन सकती। भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या जो वर्तमान में है उस पर कमी आ सकती है? देखिए, कुछ प्रदेशों में हो सकता है कुछ कमी हो जाए, लेकिन कुछ प्रदेशों में हमारी संख्या बढ़ेगी भी, तो संख्या सीटों की उसमें कोई गिनती विनती करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, लेकिन मुझे इतना कहना है कि हमारा आज कोई विकल्प नहीं और देश की जनता के सामने सारी बातें हैं। अब देखना आसाम में विदेशी घुसपैठियों का सवाल कितना पुराना है। मुझे याद है कांग्रेस इसके खिलाफ बोलती रही है, मुझे याद है ममता बंगाल की मुख्यमंत्री इसके खिलाफ बोलती रही, उनका एक भाषण मुझे याद है कि बंगाल में बांग्लादेश से आई घुसपैठियों की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन रही है, तो उस वक्त इनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय था। आज केवल वोट की राजनीति के कारण
तो इस देश में जो राष्ट्रीयता के आधार पर सोचते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, उनके सामने तो ये सब लोग बिल्कुल बेनकाब हो गए। ये बेनकाब हो गए कि इनके सामने देश नहीं है, इनके सामने केवल अपनी कुर्सी है जिसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शुद्ध राष्ट्रवाद है वो भी सामने आ रहा है। तो कोई विकल्प नहीं है, कोई बड़ी चुनौती मैं नहीं समझता हमारे लिए। हिमाचल में 4 सीटें हैं, क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो और भी अच्छी स्थिति है। एक तो यह है कि यहां कोई विपक्षी दलों के कोई छोटे मोटे टुकड़े भी नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है। यहां पर 2-पार्टी सिस्टम बहुत दिनों से चल रहा है और सरकार हमारी बन गई है, सरकार हमारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। और कांग्रेस की हालत यह है कि कांग्रेस के सबसे बड़े पुराने दिग्गज नेता श्री वीरभद्र सिंह जी और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, उन दोनों की आपस की लड़ाई मंच पर सड़क पर आ गई है। तो हमारी हिमाचल में तो कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने। तो निश्चित रूप से चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। में आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपने पहले कहा कि आप अब इच्छुक नहीं हैं, पर पार्टी अगर इच्छुक होती है तो आपका क्या निर्णय रहेगा? देखिए, मैंने जो कहना था वो अपने मन की बात मैंने कह दी है। अब पार्टी को निर्णय करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने लगभग आधी सदी होगी मुझे चुनाव लड़ते हुए, तो किसी और कार्यकर्ता को भी आगे लाना चाहिए, लाया जा सकता है। लेकिन पार्टी के सामने तो यही सवाल है कि हम पूरे देश में जीते, तो अंतिम निर्णय तो पार्टी करेगी। अगर पार्टी आपको कहती है तो आप मैदान में उतरेंगे? मुझे लगता है कि शायद ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो? मैं नहीं कह सकता कुछ भी क्या होगा, लेकिन निर्णय पार्टी को करना है। ठीक है, थैंक यू।